Then I'll be telling you how to solve the difficulties and how to handle your exam. Three important parts we are going to discuss today. Now just tell me in reading, how many of you face the problem of time management? Shabash, shabash, shabash. Very good. Dheere dheere karoge aise. See, I'll tell you. Reading aayi. Forty questions, 60 minutes. This is the prerequisite of reading. ये एक requirement है reading की. और 40 questions and 60 minutes का क्या मतलब है कि you have all the questions that are objective type. Objective ही हैं. Either it is MCQ, true, false, not given, इस तरह के ही questions हैं ना. No question is demanding you 50 words, 50 lines, 10 lines, 20 lines. कुछ भी नहीं demand कर रहा. तो इसका मतलब वो तो कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे. Why do you have a problem in time management? There are three passages. Clear? Three passages को करना कैसे है हमें? ये देखो. 15, 15, 20. 50 मिनट्स में तीन पैसेजेस हो जाते हैं. ये तब होते हैं अगर आप मूव ऑन टेक्निक पकड़ो. आंसर मिल गया ठीक है, नहीं तो आगे चलो. मिल गया ठीक है, नहीं तो आगे चलो. यू ऑलवेज फाइंड द आंसर्स व्हेन यू मूव ऑन. जब आप एक आंसर को बड़े ध्यान से पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो बार बार, वो आंसर एक तो गलत होता है और दूसरा वो आंसर जो है आपका टाइम वेस्ट करता है. बड़ी बार होता है जब आप आंसर देखते हो, पहली बार जो आंसर देखा वो करेक्ट होता है, फिर आपको डाउट होता है, आप दोबारा पढ़ते हो, वो आंसर गलत हो जाता है. होता है कि नहीं? ऐसे होता है ना. तो फिर क्यों होता है? द सिंपल रीजन इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन. And then you have to just link and locate. Passage को question के साथ locate करना है. और सारा passage भी नहीं, just three lines. Three lines above and three lines below. The answer is going to be there for you. You will find no difficulty. हर question 1.5 minutes से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. If you pick one question for 2 minutes, 3 minutes, you will waste your complete time. And remember one thing, there is no negative marking in reading. Reading में कोई negative marking नहीं है कि आप उसको छोड़ते चले जाओ कि मेरे marks कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. Attempt the complete reading because God knows, हो सकता है आंसर ठीक ही हो जाए. छोड़ के आना एग्जाम में कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है. Is it clear? Time is going to be managed like this. अब एक another tip I'll give you for your exam, क्योंकि ये सारे exam वाले बच्चे ही हो आप. Reading जब आप करते हो ना exam, examination hall में, हर एक question के बाद watch मत देखना, because countdown watch होती है वहाँ पे. आप अगर हर question के बाद watch देखोगे तो pressure इतना ज़्यादा mind पे आ जाएगा that you will start missing the questions. आपको लगा ओए होए अभी तो इतने क्वेश्चन रह गए और इतना टाइम निकल गया. आफ्टर 5 क्वेश्चंस लुक एट द वॉच, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज एग्जामिनेशन इज जस्ट मैनेजिंग योर एनर्जी एंड इट इज स्टेबलाइजिंग योर माइंड. वंस योर माइंड इज नॉट स्टेबलाइज्ड, द आंसर्स विल नॉट बी देयर फॉर यू. यू विल फाइंड एवरीथिंग टू बी आइडेंटिकल. आपको लगेगा सारी रीडिंग एक जैसी, मैं क्या करूँ? तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको. 5 क्वेश्चंस किए, घड़ी देखो, उसके बाद आगे चलो. 101% टाइम मैनेज होगा. क्लास में आप लोगों ने इस तरीके से करा हुआ है ना, प्रेशर रीडिंग करी है कि नहीं? यू हैव डन इट. सो दिस इज द फॉर्मूला. जस्ट 1.5 मिनट इज सपोज टू बी गिवन टू 1 क्वेश्चन. सिंपल सी चीज होती है. क्वेश्चन आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया आगे चलो. जब आप आगे आगे चलते जाओगे आपको पिछला आंसर मिलता जाएगा. इज इट क्लियर?
Now just tell me, how do you attempt the reading? रीडिंग आप लोग अटेम्प्ट कैसे करते हो? पहले पैसेज पढ़ते हो कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हो? क्वेश्चन पढ़ते हो. अब दो तरीके हैं रीडिंग के. आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हो, आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो. बट अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो तो डोंट चेंज योर टेक्निक, उसको क्वेश्चन को रहने दो. क्वेश्चन पढ़ के क्या करते हो? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? कीवर्ड तो एक बड़ा स्मार्ट सा वर्ड है. होता क्या है कीवर्ड? ये इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा होता है? वो तो सारा इम्पोर्टेंट लगता है. व्हाट इज अ कीवर्ड? इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. केड़ी होती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन? डिमांड. डिमांड और सप्लाई पता लग जाए ना, तो इसमें 40 out of 40 आते हैं. नहीं पता लगती. क्या होता है कीवर्ड? सीधी साधी लैंग्वेज में व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड 99% इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. एग्जाम में आपने यही ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव है वो कीवर्ड होता है हमारा. स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट विल बी द कीवर्ड. पूरी स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने की हमें जरूरत नहीं है. उस वर्ड को पकड़ो एंड ट्राई टू फाइंड वेयर इज इट इन द पैसेज. हो सकता है वो मिल भी जाए इंटेलिजेंट, और ये भी हो सकता है कि वो ना भी मिले. बड़ी दफा होता है नहीं मिलता, तो वहां पे क्या लगा होता है? आप क्या बोलते होते हो? क्या लगा हुआ है? सिनोनिम लगा हुआ है. तो सिनोनिम का क्या हल है एग्जाम में? क्या करें उसको? सिम्टोमेटिक रीडिंग होती है, उसमें उसका मीनिंग ढूंढ लो. फाइंड द मीनिंग जस्ट इन 3 lines. Suppose he says students are intelligent. Intelligent word हमने underline किया. उसके बाद हमने passage में ढूंढा, हमें नहीं मिला. तो but वहाँ पे passage में lines लिखी हुई हैं. Most of the students they are having very good score and they have high caliber. तो इसका मतलब बच्चे intelligent हैं. वो उसके साथ answer मिल जाएगा. There is not any reason that you will not find the answer. Answers मिलेंगे. और कई बार इतना लंबा वर्ड देख के जो आपसे पढ़ा भी नहीं जाता, आपको डर लगता है पता नहीं क्या चीज है ये, वो सिनोनिम जो होता है जिसको आपको मीनिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसका आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन विल ऑलवेज बी देयर इन 3 lines पैसेज में. हमेशा उसको ध्यान रखना, ठीक है? अब मेरे को बताओ डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं. What difficulties do you find? List of headings. क्या होता है list of headings में? List of headings difficult क्यों लग रही है आपको? Confusion होती है, right? अच्छा, confusion क्यों होती है मेरे को बताओ? क्योंकि तेरी problem से ही तेरा solution निकलेगा. मैं कुछ भी बताऊंगी तो वो एक नई चीज लगेगी. कन्फ्यूजन क्यों होती है तेरे को? हाँ, सारे पैराग्राफ एक जैसे लगते हैं. तो आप करते कैसे हो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स? मुझे बता कीवर्ड्स होते कैसे हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में? कितने कीवर्ड्स इकट्ठे पकड़ता है? एक लाइन से तीन होते हैं. आर यू ओके? तो भैया ठीक है, तेरी पेपर भरा हुआ है. ये देखिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है. इसकी बात मत सुनना, एंटरटेनमेंट है ये. ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है. रफली 13-14 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो जाते हैं हमारे पास. 12-14 तक मिलते हैं. और ये हमारे पैसेजेस हैं. आप कैसे ढूंढते हो? क्या 14 के 14 कीवर्ड्स इकट्ठे मार्क करते हो? फिर क्या करते हो? पहले पैसेज, सारा पैसेज पढ़ते हो, ABCD. फर्स्ट टू लाइंस एंड लास्ट. ठीक है, अब मैं आपको बड़ी सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ. हेडिंग कभी गलत नहीं होगा. एग्जाम में कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रहेगी. 3 headings इकट्ठे पकड़ो, ठीक है? 3 headings के हमने कीवर्ड्स पकड़ लिए. इसमें 2 techniques लगती हैं, एक हेड एंड टेल और दूसरी लगती है मूव ऑन टेक्निक. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द टेक्निक्स. ये वाला हेडिंग का कीवर्ड पकड़ा, पैसेज में देखो मिल गया, ठीक है? नहीं मिल गया छोड़ दो,
फिर यही वाला कीवर्ड बी में देखो, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया छोड़ दो। यही वाला सी में देखो, मिल गया फाइन, नहीं तो छोड़ो। दो लाइंस ऊपर हैं, दो लाइंस नीचे हैं, दैट्स इट। सेम टू को ए में देखो, टू को बी में देखो, टू को सी में, फिर थ्री ए में, थ्री बी में, थ्री सी में। अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे हेडिंग पे आ जाओ। जब आप नेक्स्ट हेडिंग डी में पढ़ोगे ना, इट इज अ गारंटी आपको ऊपर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तब तक हमें वो तीन पैसेजेस पता लग चुके होंगे क्या है। समझ आई मेरी बात? समझ आई? कितनी समझ आई? पूरी समझ आई? ये दो टेक्निक्स हैं, एक हेड एंड टेल, ऊपर की दो लाइन नीचे की दो लाइन पैसेज देखो, और दूसरी इज अ मूव ऑन टेक्निक। मूव ऑन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मूव ऑन? आगे चलो, आगे चलो, कहाँ चलो? कहाँ चलो? कनाडा। मूव ऑन टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ योर रीडिंग। मूव ऑन का क्या मतलब है? एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सपोज इसी की बात लेती हूँ मैं, तूने एक गर्लफ्रेंड को फोन किया, क्या उसने नहीं उठाया, छोड़ दे। दूसरी को कर, नहीं उठाया छोड़ दे। तीसरी को कर, नहीं उठाया छोड़ दे, वैसे तेरी इतनी है नहीं। जब तक तू फोर्थ को फोन करने की सोचेगा ना, लिसन, जब तू फोर्थ को फोन करने की सोचेगा ना, पहली का फोन आ जाएगा। समझ गया? अब भूलेगा नहीं। दो टेक्निक्स हैं, फर्स्ट टू लाइंस, लास्ट टू लाइंस एंड मूव ऑन टेक्निक। योर हेडिंग इज अ गारंटी इट विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर? आपकी कंफ्यूजन ठीक हुई? पक्का? लास्ट मिनट में डरना नहीं है बिल्कुल भी। देयर इज नो पॉइंट टू फील स्केयर्ड। दिस इज हेडिंग्स। हेडिंग्स नेवर बी अपसेट बाय रीडिंग ऑल द पैसेजेस, बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग ऑल द पैसेजेस टू बी आइडेंटिकल, सिमिलर। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट द स्टूडेंट्स दे फेस इज इन एग्जाम, आपसे पूछती हूँ, आप फेस करते हो कि नहीं, क्या आपको एक आंसर दो जगह मिलता है? हाँ, कितने खुशकिस्मत हो ना, एक आंसर दो जगह मिल रहा है, लोगों को एक जगह भी नहीं मिलता। क्या करते हो उस पोजीशन में? ये प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में आती है, रेगुलर क्लास में नहीं आती है। व्हाट विल यू डू व्हेन यू इन एग्जाम यू विल बी फाइंडिंग वन आंसर एट टू पैसेजेस? देन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। हमेशा जो दो आंसर्स हैं उनको मत पढ़ना, क्योंकि उनमें कंफ्यूजन लेवल ज्यादा होगा। आप सीधा क्वेश्चन पे वापस जाना, लुक एट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट। वो एलिमिनेट हो जाएगा एक अपने आप। यू विल बी रियलाइजिंग कि मैंने जो दो आंसर्स, तीन आंसर्स ढूंढे हैं, उनमें से सिर्फ एक आंसर मेरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? समझ आया? और बताओ, और प्रॉब्लम कहाँ आती है? चलो एक मेरे को बात बताओ, आप लोग तुक्के कैसे मारते हो? नहीं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं, मेरी वीडियो में तुक्के होते ही नहीं है ना, ये तो तुक्के मैंने लिख दिए कि नहीं मारने। बताओ मेरे को कैसे मारता है? हाँ, वो तो तुक्का नहीं है, वो तुक्का नहीं है, वो एक टेक्निक है। हाँ, वो एक टेक्निक है और ट्रिक है। तुक्के बच्चे कैसे मारते हैं? जैसे उनको ये वर्ड नजर आ गए तो ट्रू हो गया, ये वर्ड नजर आ गए तो फॉल्स हो गया, ये आ गए तो नॉट गिवन हो गया। ये 99 पॉइंट अप्लाई नहीं होता। आई एम टेलिंग यू सीरियसली। बड़े बच्चे हैं, वो कहते हैं लाइन लंबी है तो आंसर ट्रू है। ऐसा नहीं है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। एंड हाउ कैन यू जस्ट फाइंड अ फ्लूक? कैसे मार सकते हो? लास्ट मिनट सपोज आपके पास टाइम नहीं है और ट्रू फॉल्स हैं, हाउ विल यू अटेम्प्ट ट्रू फॉल्स? सारे ट्रू कर दो भाई, 15,000 का पेपर है, सारे ट्रू कहां से कर दो? अब तो ये वाली टेक्निक खत्म हो चुकी है, सारे ट्रू कर दो, सारे फॉल्स कर दो, मुश्किल से एक ठीक होगा। कभी करा ऐसे? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? पेपर भरा हुआ है भाई, कैसे करोगे इसको?
See, always go by the statement. Wherever there is, you find these words, they don't commit a promise that it is going to be false. False hoga jab opposite hoga. Contradictory hoga, ulta chalega. और not given के दो options हैं, एक option तो है कि उसने दिया ही नहीं हुआ, और दूसरी option क्या है not given की? Not given की दूसरी option is what is the second option? Second option is partially correct. You have to remember one thing, only one thing, that your statement and your questions they should match. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हो और आप किसी और आंसर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. डोंट डू दैट, दैट विल बी इजी फॉर यू. एंड दीज आर द सर्टन वर्ड्स जो आपको तंग करते हैं और आप इनको देख के यस नो करते हो. डोंट डू दिस, बिकॉज अभी भी उस क्लास में भी बच्चे कह रहे थे कि अगर ऑलवेज है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फुली है तो फॉल्स हो जाएगा. मेरे को आज तक ऐसे आंसर्स मिले नहीं है. ये बहुत रेयर चांसेस हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? अब एग्जाम में आपने करना क्या है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा आपका रीडिंग का, यू जस्ट फ्लिक द थ्री पैसेजेस, तीनों पैसेजेस खोल के देखो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है आप सबसे पहले वो पैसेज करोगे. सपोज यू थिंक दैट यू आर वेरी स्ट्रांग इन फिलअप्स, तो फिलअप्स का पैसेज पहले कर लो. You feel you are good at MCQ, MCQ पहले कर लो, because examination is a combination. It is a combination of your energies, balancing your energy. बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ नर्वस होके फेल हो जाते हैं. They lose their confidence. You are not supposed to lose your confidence. Flick the pages, see what is your strength. पैसेज फर्स्ट एंड डोंट हैव दिस नोशन कि थर्ड पैसेज हमेशा डिफिकल्ट होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. हो सकता है आपको फर्स्ट डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि आपको हेडिंग्स उसमें नजर आ गए, आपको उसमें एमसीक्यू नजर आ गए. जो पैसेज जिस बच्चे की वीकनेस है वो सबसे बाद में करना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. इज इट क्लियर? फिर एक चीज और बताओ मेरे को, आपको सबसे बोरिंग पैसेज कौन से लगते हैं? हाँ बोलो ना, मैं आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू. सब तो बोरिंग पैसेज कौन सा लगता है? हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड साइंस. हिस्ट्री और साइंस का जब पैसेज सामने आता है तो आप कहते हो होए क्या पा? Because very easy technique. History is related to what? History किसके साथ related है? हमारे knowledge के साथ related नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती है, हम bore हो जाते हैं. जिस चीज में bore हो गए उसमें score कम हो गया. History का passage जब भी आपके पास आता है ना, आप क्या करो, पहले passage को overview कर लो. उसमें जितनी dates हैं, डेज है, रिसर्च है, ऑथर्स नेम है, ऑथर्स ओपिनियन है, बिल्डिंग नेम है, ईयर्स हैं, सन है, सेंचुरीज हैं, बिफोर है, आफ्टर है. ये सारे वर्ड्स पहले दो टाइम मिनट लगनगे सिर्फ, पहले पैसेज दे विच इस तरह अंडरलाइन कर लो. ठीक है, एम ओ पैसेज की गल कर रही हूँ, इन विच यू रियली गेट बोर्ड. You don't want to do it. When you don't want to do it, it's a big problem. What you have to do is, you have to underline the words in the passage first. When you will underline the words in the passage, then go back to the question. एक बार passage का overview हो गया कि किसके बारे में है. Question का keyword आपको directly passage में मिल जाएगा. You will directly find the answers. उसको ना पढ़ना, ना समझना, ना कुछ करना. जस्ट लिंक एंड लोकेट, लिंक एंड लोकेट. डेट्स विल मैच विद डेट्स, नेम्स विल मैच विद नेम्स, रिसर्च विल मैच विद रिसर्च. यू विल फाइंड नो कंफ्यूजन इन द पैसेज ऑफ हिस्ट्री और साइंस.
साइंस में रिसर्च तंग करती है कई बार, रिसर्च ऑफ मेडिसिन, रिसर्च ऑफ एनीथिंग, यू जस्ट अंडरलाइन इन द पैसेज. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, प्लीज ये नोट्स देख लेना, ये नहीं कर रहे हैं तुक्का मारते हो, अभी रुक जा तू. 15,000 रुपए का तुक्का इतना डेंजरस नहीं मारना. डोंट अंडरलाइन लाइक दिस. जब आप ऐसे अंडरलाइन करते हो तो क्या लगता है कि सारे ही आंसर हैं? कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाता है. ऐसे अंडरलाइन करो. अंडरलाइनिंग को बोलते हैं इंडेक्स अंडरलाइनिंग. एक ये करा, फिर ऐसे कर दिया, फिर ये कर दिया. ये लग रहा है कि ये आंसर एग्जाम्पल है, इसमें आंसर होगा ही नहीं. ये मेरे को दो जगह आंसर मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है कि इट कैन बी एन आंसर. हियर यू आर लिटिल डाउटफुल. इस तरह से इंडेक्स बनाओ. इज इट क्लियर? समझ आया ये? दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट योर पैसेजेस. एंड रिमेंबर वन थिंग, रीडिंग जितनी मोटी होती है, आप कहते हो ना बहुत मोटी रीडिंग आई है, वो ईजी होती है क्योंकि उसमें सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. उसको छोड़ दो. अगर 5,000 वर्ड्स की रीडिंग है ना, तो उसमें रिक्वायर्ड तो 100 ही हैं आपके काम के, बाकी तो बकवास है सारा. बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी जब आप उसको समझोगे. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फाइंड द आंसर. बिकॉज मोर यू आर एक्टिव इन फाइंडिंग द आंसर्स, द बेटर विल बी द स्कोर फॉर यू. इज इट क्लियर? इज इट फाइन? समझ में आया? और कोई डाउट रीडिंग में है तो पूछो. एमसीक्यू क्या होता है? एमसीक्यू तो लिसनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में तो आती नहीं है. ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं. तो क्या करते हो आप? क्या यही पढ़ते रहते हो? एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम आती है? व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस? हाँ जी, नहीं तो उसी को है प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? डन. अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है. डन कैसे हो गया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग. व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस इन एमसीक्यू? चलो कोई नहीं, मैं सबको समझा देती हूँ, डोंट वरी. अच्छा, एमसीक्यू में ना एलिमिनेशन मेथड लगाया करो. एलिमिनेशन होता है व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है. अब ये कीवर्ड है, कीवर्ड जिसके साथ मैच करता है वो तो ठीक है. अब ये इसके साथ मैच करता है और इसके साथ करता है, इसके साथ नहीं करता तो इसको काट दो. फाइंड द आंसर इन टू ओनली. डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर इन फोर ऑप्शंस. दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? और कुछ रीडिंग में एनी अदर डिफिकल्टी? स्टिल देर इज अ डिफिकल्टी. और कौन सी डिफिकल्टी हो सकती है रीडिंग में? फियर इज द डिफिकल्टी. सारी और सब कुछ ले लिया आपने. फियर इज अ वेरी बिग डिफिकल्टी इन रीडिंग. वंस यू आर स्केर्ड यू आर गॉन. समरी? कुछ बचता है तो बता दो. लाइन के साथ लाइन, मीनिंग के साथ निकलेगी. उसमें कभी भी डायरेक्ट वो नहीं निकलते वर्ड्स. यू हैव टू रीड 3 lines above एंड 3 lines below. द बेस्ट पार्ट इज इफ यू डू द रीडिंग एंड यू डू इंडिपेंडेंट एनालिसिस, यू विल बी मोर कंफर्टेबल. बिकॉज एवरी डे व्हेन देयर इज एनालिसिस, यू पीपल आर बिजी. एम आई राइट? एनीथिंग एल्स? नो. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? कैसी रीडिंग आएगी एग्जाम में? मॉडरेट तो डिफिकल्टी होती है, ईजी आएगी. देर इज नथिंग टू वरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी. आई रियली विश यू बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक. नथिंग विल हैपन टू यू. यहाँ पे भी आपका स्कोर आता ही है तो वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे ज़्यादा आएगा. डोंट वरी.